तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसको यूज करना है। इस तरह से आप अपने हैंड्स पर इस जो पाउडर है हमारे पास उसको ले लीजिए। इस तरह से आप क्वांटिटी अपने चेहरे के हिसाब से ले लीजिए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो इस तरह से मैं इसके अंदर पानी यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, आपको पता है मैं कितनी आलसी हूँ, आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं कितनी आलसी हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स मैं कितनी आलसी हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो गर्मियां आ चुकी है और मानसून का सीजन भी शुरू हो चुका है और स्किन पर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा है और स्किन है जो चिपचिपी दिखने लगी है। तो किस तरह से आप होममेड फेस वॉश के जरिए अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी स्किन पर जो पसीना आ गया है, डस्ट जम गई है, तो आप किस तरह से होम रेमेडी की मदद से उसको दूर कर सकते, घर पर आप फेस वॉश किस तरह से बना सकते हैं और आप अपनी स्किन का कलर को इन्हेंस कर सकते हैं और आपको किसी तरह केमिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको तीनों टाइप के बताऊंगी, आपकी ऑयली स्किन है तब भी बताऊंगी कि उसके लिए आप किस तरह से आपको फेस वॉश यूज़ करना है, ड्राई स्किन के लिए भी बताऊंगी और आपको अगर नॉर्मल स्किन है तब भी मैं आपको उसके लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप बाउल ले लीजिए, उसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं मिला रही हूँ वो है बेसन। बेसन बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट का काम करता है और आपकी स्किन पर डर्ट जम गई है या आपकी स्किन पर किसी तरह की कोमल है तो वो पूरी तरह से इसको दूर कर देगा और आपकी स्किन को क्लीन करता है। दूसरी जो चीज़ मैं मिलाने जा रही हूँ वो है चंदन पाउडर, जो आपकी स्किन के जो कलर है उसको लाइट करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। और जो भी दाग धब्बे हो गए हैं आपकी स्किन पर, जो अगर झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पिंपल के निशान रह गए हैं या आपके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है स्किन पर, तो उसके लिए चंदन पाउडर बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स। तीसरी चीज़ जो मैं मिलाने जा रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। इस तरह से आप इस मुल्तानी मिट्टी को ऐड करिए, ये आपके ओपन पोर्स पर बहुत अच्छा काम करता है और स्पेशली गर्मियों के सीज़न के अंदर आपकी स्किन के अंदर जो भी पसीना अगर बहुत ज़्यादा आता है और आपके ऑयल बहुत ज़्यादा आता है उसको ये पूरी तरह से सोख लेता है। अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या वुमेंस हैं, हर टाइप के, हर स्किन टाइप्स के लोग इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मिला लीजिए और एक कंटेनर में आपको उसको स्टोर करके अपने बाथरूम में इसको रख सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपके बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं तो आप इसके अंदर नीम पाउडर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, जो आपके एक्ने पिंपल पर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी अगर ड्राई भी है या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट आपको लगते हैं कि है, तो आप उसके ऊपर हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी इस पाउडर में मिक्स करके आप एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से स्टोर करके आप बाथरूम में रख सकते हैं फ्रेंड्स, और जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बता दूं कि इसको किस तरह से फेस वॉश को यूज़ करना है। उसके लिए इस पाउडर को आप अपने हैंड्स पर इस तरह से ले लीजिए, आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए, इस तरह से आप इस वाटर को ऐड कर लीजिए और अपने हाथों से इस तरह से आप इसको मिला लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से आप मिला लीजिए इसके अंदर। और इसको आपको हल्का पतला ही रखना है, आप इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है फ्रेंड्स, तो ताकि ये अच्छी तरह से आपके चेहरे पर ये अप्लाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये लिक्विड सा बन गया है। और अब आप इसको, मैं आपको अपने चेहरे पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करके इससे एक मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद अपने चेहरे को वॉश करना है। तो चलिए इसको लगा लेती हूँ मैं अपने चेहरे पर इस तरह से। इस तरह से आप अपने पूरे चेहरे पर इसको अप्लाई कर लीजिए। और ये आपकी स्किन से पूरी तरह से डर्ट को दूर कर देगा। ये बहुत इफेक्टिव फेस वॉश है फ्रेंड्स, और ये आपकी स्किन पर इस तरह से आप ले सकते हैं और दोनों हाथों की मदद से आप इसको, आप इस तरह से धीरे धीरे अपने चेहरे पर आप इसको मसाज कीजिए। इससे जो भी डर्ट है आपकी स्किन पर, जो भी अगर कोई
दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से इससे मसाज कर लिया अपने चेहरे की, और एक मिनट हो गया। अब अपने चेहरे को मैं वॉश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया पूरी तरह से, और ये पूरी तरह से क्लीन हो गया। और देखिए मेरा चेहरा कितना अच्छी तरह से साफ हो गया है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि मैं इन रेमेडीज़ को यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है, तो आप भी इसको यूज़ करके आप अब इसी ऐसी स्किन पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस रेमेडीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा आया है फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आप मेरी वीडियो वॉच करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।